सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव आपको फोटोग्राफी काफी पसंद है। अगर पसंद है तो आपके पास एक DSLR या फिर एक SLR भी जरूर होगा। नहीं है, दैट इज टोटली फाइन। आई बिलीव ये वीडियो सभी के लिए है, सो वॉच इट टिल द एंड। डोंट वरी, आज ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जाया नहीं जाएगी, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ लेंस कैप के बारे में, कि आप उसे कब इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। सो वट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देर आर टू रीजन कि आपको एक लेंस कैप यूज करने क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन इज ताकि आप अपने लेंस को बचा सको अनवॉन्टेड रेज ऑफ सनलाइट से, ताकि वो ना अंदर जाए और आपकी पिक्चर क्वालिटी खराब ना हो। सो ये कुछ डिफरेंस है नॉर्मल पिक्चर्स के जो मैंने क्लिक करी थी, ताकि आपको पता लग सके कि आपको लेंस कैप यूज कब करनी है और कब नहीं करनी। हालांकि ये बता पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि किस पिक्चर में ज्यादा लाइटिंग अवेलेबल है। सो दैट कंक्लूड्स राइट पिक्चर में लेंस कैप यूज की गई है। बट अगर मैं बात करूं लेंस फ्लेयर के बारे में, दैट इज अनवांटेड रेज फ्रॉम सनलाइट। कभी कभी ये चीज इफेक्ट्स के लिए अच्छी लगती है, वरना ये आपकी पिक्चर को खराब कर सकती है, एज वी कैन सी इन आर लेफ्ट पिक्चर। सो सेकंड रीजन व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज अ लेंस कैप एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट योर लेंस। ज्यादातर लोग जो फोटोग्राफी करते हैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने कैमरा को, साथ ही साथ उनके मन में ये भी होता है कि हमारे लेंस को कुछ ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल उसे इफेक्ट ना करे, ना ही कोई स्क्रैच लगे। दैट्स वेयर दिस लेंस कैप कम्स इन। इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल प्ले, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल से बचाती है। साथ ही साथ दिस इज सुपर हैंडी कि आप सारी चीजें एकदम से कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा एंड स्टार्ट क्लिकिंग। फॉर मी दिस इज कन्वीनियंट। अगर आपके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, देन यू कैन ऑलवेज ऑलवेज यूज योर हैंड लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है आपको सामने पिक्चर क्लिक करनी है, यूज योर कैमरा लेंस लाइक दिस, हैंड लाइक दिस। सो व्हाट इट विल डू इज आपकी सारी लाइट कैप्चर कर लेगा या कम कर देगा जो कि कैमरा कैप करती है। आई थिंक ये कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक हाथ से कैमरा पकड़ना होगा, विच इज वे टू रिस्की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैप्स। ज्यादातर दो टाइप्स की आती है मार्केट में, अवेलेबल भी दो ही टाइप की है। पहली होती है फ्लावर वाली कैप। फ्लावर वाली कैप कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो वाइड एंगल शॉट्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। दिस वन इज यूनिवर्सल कैप, ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ज्यादातर लेंसेज के साथ इंक्लूडेड भी यही होती है, क्योंकि ये दूर की पिक्चर खींचने के लिए या फिर सेल्फ पोर्ट्रेट लेने के लिए भी काफी इस्तेमाल की जाती है। इनफैक्ट अगर आप एक नया लेंस परचेज करते हो, उसके साथ लेंस कैप जरूर मिलती है। सो बी अवेयर अगर आपको कोई नहीं देता है तो। एंड दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, आपको कौन सी कैप परचेज करनी है, कंपनी से परचेज करनी है या बाहर से परचेज करनी है। दोनों ने काम एक ही करना है कि आपकी लाइट को डिफ्यूज करने में काफी हेल्प करेगी। आई थिंक दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो। अगर आपको भी यही लगता है, प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट, डू सब्सक्राइब बिलो फॉर अदर वीडियोज। टिल देन मेक श्योर यू आर वॉचिंग ऑल अदर वीडियोज एज वेल। Talk to you guys in the next one. Bye-bye.